सबसे पहले जो है वो कौन सी है, अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस है। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी है, अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस डिजीज। अफ्रीकन को हम क्या कहेंगे, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। दूसरा नाम क्या है इसका, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। इट्स पैथोजन्स आर ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ द टीसीटीसी फ्लाई। कह रहा है कि इसके जो पैथोजन्स हैं वो टीसीटीसी फ्लाई के काटने से ट्रांसमिट होते हैं। अगर किसी को ट्राइपैनोसोमा है, ठीक है, तो ट्राइपैनोसोमा के जो ये ट्राइपैनोसोमा है ये किस फ्लाई के काटने से होता है, टीसीटीसी फ्लाई, TSE फ्लाई, TCTC फ्लाई, ठीक है। सो TCTC फ्लाई का अगर नाम, जियोलॉजिकल नेम इसका लिखना हुआ आपने पेपर में, तो आप क्या लिखेंगे, ग्लॉसिमा पेलपेलिस, ग्लॉसिमा पेलपेलिस, ठीक है। द पैथोजन्स आर फाउंड इन द ब्लड। इसके जो पैथोजन्स हैं वो ब्लड में पाए जाते हैं, बट लेटर एंटर द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, लेटर ऑन एंटर द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सबसे पहले इसके जो पैथोजन्स हैं यानी कि जो ट्राइपैनोसोमा है वो ब्लड में पाया जाता है, ठीक है, और ब्लड से ये सीधा कहाँ पहुँचता है, ब्रेन में, जो हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वहाँ पे जाके ये पहुँच जाता है पैथोजन। वहाँ से ये माइग्रेट हो जाता है सीधा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से, कहाँ चला जाएगा, सीधा ब्रेन में, इट एंटर्स इनटू द ब्रेन। अब क्या होगा, ठीक है, जैसे ही ये ट्राई, अब किसी को स्लीपिंग सिकनेस है, ठीक है, स्लीपिंग का डिसऑर्डर है, तो इट मीन्स कि उसकी बॉडी में ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस है। ट्राइपैनोसोमा जो है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का बताया इन्होंने, इसके बाद अमेरिकन का बताएंगे। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस में जो ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस डिजीज, जो ट्राइपैनोसोमा है, पहले हमारे ब्लड में होगा, ब्लड से ये सीधा चला जाएगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, और वहाँ से चला जाएगा कहाँ पे, ब्रेन में, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्या हुआ, द पेशेंट बिकम्स लेथार्जिक अनकॉन्शियस। जो ब्रेन में अगर ये चीज पहुंच गई, ठीक है, तो पर्सन कैसा हो जाएगा, अनकॉन्शियस होगा। जैसे अभी आप कॉन्शियस हैं, सुन रहे हैं बात को, तो वो पर्सन जो है अनकॉन्शियस होगा, उसको नहीं लगेगा पता कुछ भी, ठीक है, अनकॉन्शियस होगा वो, और लेथार्जिक होगा, मतलब कि यू आर एक्टिव नाउ, कुछ स्टूडेंट्स जो है एक्टिव है, बट उसमें जो है वो बिल्कुल ही जो है लेथार्जिक होगा पर्सन, ठीक है। बिकॉज ऑफ इट द डिजीज इज कॉल्ड स्लीपिंग सिकनेस। कह रहा है कि इसी वजह से इस डिजीज को क्या कहा जाता है, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, ये अगेन जो है टू टाइप्स की होती है, ठीक है, कौन कौन सी होती है, एक तो गैम्बियन ट्राइपैनोसोमियासिस, एक जो है गैम्बियन ट्राइपैनोसोमियासिस, और दूसरी जो है रोहोडेसियन ट्राइपैनोसोमियासिस। दूसरी कौन सी है, रोहोडेसियन ट्राइपैनोसोमियासिस। देन उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है अमेरिकन ट्राइपैनोसोमियासिस डिजीज, अमेरिकन ट्राइपैनोसोमियासिस डिजीज। दिस डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज चगास डिजीज, इसका दूसरा नाम क्या है, चगास डिजीज है, ठीक है। ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स में, मैक्सिको में ज़्यादा जो है वो देखने को मिलती है डिजीज, यूनाइटेड स्टेट्स में और मेक्सिको में, और मोर कॉमन जो है वो साउथ अमेरिका में होती है। मोर कॉमन जो है वो कहाँ पे होती है, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। पार्टिकुलरली जो है वो कहाँ पे, ब्राज़ील में, पार्टिकुलरली कहाँ पे पाई जाएगी, ब्राज़ील में। इसके पैथोजन का क्या नाम है, किस पैथोजन की वजह से ये डिजीज होती है, ट्राइपैनोसोमा क्रूजी। किसकी वजह से, ट्राइपैनोसोमा क्रूजी की वजह से ये डिजीज जो है ये होती है, ठीक है। और इसको ट्रांसमिट करने के लिए जो होते हैं, किसकी वजह से ट्रांसमिट, पहले हमने किया ना वो टीसीटीसी फ्लाई की वजह से होता है, तो ये जो डिजीज है अमेरिकन ट्राइपैनोसोमियासिस, ये होता है किसिंग बग्स की वजह से, किसिंग बग्स, BUGS बग्स की वजह से, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, ट्राई एटोमिड्स, ठीक है। सो दीज आर द किसिंग बग्स, जिनकी वजह से ये इन्फेक्शन फैलता है। बग्स क्या करते हैं ऐसा, ठीक है, जो फेसेस होते हैं, जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके जो फेसेस हैं, उसके जो वेस्टेज हैं, उनके ऊपर जो है वो जाके जो है वो इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। द बग्स पास द इन्फेक्शियस पैरासाइट्स इन द फेसेस। जो बग्स होते हैं, किसिंग बग्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इन्फेक्शियस को, इन्फेक्शियस पैरासाइट यानी कि ट्राइपैनोसोमा क्रूजी को
बग की बॉडी में होगा ना ट्राइपेनोसोमा क्रूजी, बग की बॉडी में होगा ट्राइपेनोसोमा क्रूजी, जैसे ही वो फेसिस के ऊपर जाएगा तो फेसिस के ऊपर जो है अपने इन्फेक्शन को जो है वो स्प्रेड कर देगा। बग्स की बॉडी में है ट्राइपेनोसोमा और फेसिस में वो उसको ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। द इन्फेक्शियस पैरासाइट एंटर द होस्ट थ्रू द डैमेज्ड स्किन और द म्यूकस मेम्ब्रेन। कह रहे हैं कि जो इन्फेक्शियस पैरासाइट्स हैं वो एंटर कर जाते हैं किसमें, होस्ट में, ठीक है, थ्रू डैमेज्ड स्किन, डैमेज्ड स्किन और द म्यूकस मेम्ब्रेन। जो हम ह्यूमन बींग्स की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ह्यूमन बींग्स की जो डैमेज्ड स्किन है उसके थ्रू जो है वो ब्लड में चला जाएगा इन्फेक्शन। द पैरासाइट इज फाउंड इन द ब्लड। पैरासाइट जो है वो कहाँ पे पहुँच जाता है, ब्लड में पहुँच जाता है। द पेशेंट बिकम्स लेथर्जिक। पेशेंट जो है वो कहाँ कैसा हो जाएगा, लेथर्जिक हो जाएगा। द पेशेंट बिकम्स लेथर्जिक, ठीक है। सो ये जो हैं इसके सिम्टम्स थे। देन उसके बाद नेक्स्ट डिजीज़ है काला अजार, लेशमेनियसिस डिजीज। कौन सा, लेशमेनियसिस डिजीज, लेशमेनियसिस और काला अजार, जिसको हम क्या कहते हैं, डमडम फीवर। क्या कहते हैं, डमडम फीवर, काला अजार और डमडम फीवर, ठीक है, जिसको लेशमेनियसिस कहते हैं। सो इसका नाम ही जो है वो क्लियर कर रहा है कि ये किस पैथोजन से होता है। इट इज़ कॉज्ड बाय लेशमेनियसिस डोनोवनाई। इट इज़ कॉज्ड बाय द लेशमेनिया, लेशमेनिया डोनोवनाई, लेशमेनिया डोनोवनाई की वजह से डमडम फीवर होता है। द पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाय द फेलियोपोटमस अर्जेंटिपस, ठीक है, अर्जेंटिपस, जिसको हम क्या कहते हैं, सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई के काटने से जो है लेशमेनिया डिजीज होती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं कि कॉन्टिन्यूस फीवर रहेगा, ठीक है, बर्निंग रहेगा, कॉन्टिन्यूस फीवर रहेगा, अनेमिया रहेगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूस फीवर है। देन उसके बाद अनेमिया डिजीज है। देन उसके बाद जो है वो एनलार्जमेंट हो जाता है लीवर का और स्प्लीन का, एनलार्जमेंट हो जाता है लीवर और स्प्लीन का, ठीक है। स्प्लीन को क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। हमारे जो आरबीसीज बनते हैं वो कहाँ पे जो है डिस्ट्रॉय होते हैं, स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट डिजीज ट्राइकोमोनियसिस डिजीज, ट्राइकोमोनियसिस डिजीज, जिसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोरिया डिजीज, ल्यूकोरिया और वेजिनाइटिस, वेजिनाइटिस और ल्यूकोरिया डिजीज, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय द, कह रहे हैं कि जो ट्राइकोमोनियसिस, ट्राइकोमोनियसिस डिजीज है ये किसकी वजह से होता है, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस की वजह से। जो पैथोजन है वो कौन सा है, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, इस पैथोजन की वजह से ये डिजीज होता है। इट लाइव्स इन द वेजिन ऑफ द वोमेन। ये पैथोजन जो है ये कहाँ पे पाया जाता है, फीमेल्स के वेजिना में, ठीक है। देन उसके बाद जो द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज आर, कह रहे कि सिम्टम्स क्या होते हैं इस डिजीज के, सिम्टम्स रहते हैं जैसे कि ये जो है बर्निंग सेंसेशन रहेगी, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन रहेगी, इचिंग रहती है इस एरिया में, वेजिना में जो है इचिंग रहेगी, देन फ्रॉथी डिस्चार्ज होगा। ये सारे सिम्टम्स हैं किस डिजीज के, ल्यूकोरिया डिजीज के। इन मेल्स, अगर मेल्स में होता है तो इन मेल्स द पैरासाइट, पैरासाइट प्रोड्यूसेस इरिटेशन इन यूरिथ्रा। जो मेल्स में अगर ये इन्फेक्शन होता है ल्यूकोरिया का तो इनमें जो है यूरिथ्रा के, यूरिथ्रा पे जो है वो इरिटेशन रहता है। एंड ये डिजीज जो है मेल और फीमेल में ट्रांसमिट होती है थ्रू द सेक्सुअल एक्ट, थ्रू द सेक्सुअल एक्ट,